नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे इस चपूस चॉप्स वीडियो चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव। बहुत प्रकार के पुलाव होते हैं, लेकिन आप आज देखेंगे वेज पुलाव किस तरह से बनता है। और एक खास बात यहाँ पे ये है कि ये वेजिटेबल्स हमने जो डाले हैं उसके जो कलर है वो बरकरार रहने चाहिए, वही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। तो आगे चल के आप ये ज़रूर पूरा वीडियो देखिए कि किस तरह से ये वेजिटेबल्स है वो कलर है उसका बरकरार रहता है। तो चलिए इंग्रेडिएंट देख। 2 कप राइस लिया हुआ है जो बासमती राइस है, हमने गाजर लिया हुआ है और बीन्स लिए हुए हैं, थोड़े से मटर हैं, एक बड़ा सा ऑनियन लेंगे, चिली गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, सॉल्ट, ये जो ऑयल है एवोकाडो ऑयल लूँगी, गार्निश के लिए मैं कैश्यू लूँगी, और ये सिनेमन है, थोड़े से ब्लैक पेपर हैं, थोड़े से क्लॉव है और तेज पत्ता है, गर्म मसाला और धनिया पाउडर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें क्या करना है, एक पैन लेके इसमें 2 से 3 चम्मच हम घी लेंगे, आप तेल ले सकते हैं। कैशू को मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी और फिर हम गार्निश के लिए इसे यूज़ करने वाले हैं, तो निकाल लेंगे। और फिर जो ऑनियन हमने काट के रखे हैं उसमें से थोड़ा सा ऑनियन लेके हम इसे अच्छे से सौते करेंगे जब तक थोड़ा सा हो जाए। उसके बाद में मैं ग्रीन चिली गार्लिक और जिंजर की पेस्ट डाल के सौते कर लूँगी। और हमें क्या करना है, हमें हमारे वेजिटेबल्स जो हैं उसे भी हमें सौते करना है। ये थोड़ा सा अलग सा मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल रही हूँ, और इससे क्या होगा कि पानी इसमें छूटेगा तो अच्छे से ये जल्द से कुक हो जाएगा। थोड़ा सा अलग से ये वेजिटेबल पुलाव में बनाने जा रही हूँ। क्या होता है कि कई बार क्या होता है, पुलाव जो है वो बहुत सूखा सूखा होता है ना, गले के नीचे भी नहीं उतरता है। तो ये जो मैं बना रही हूँ वो क्या होगा कि आपको इतना सूखा नहीं लगेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा हमेशा ही ये इस तरह से आप बनाओगे। फिर ये बीन्स जो हैं, फंसी हम उसे बोलते हैं, इसे हमें सौते कर लेना है अच्छे से, करीबन 5-7 मिनट लगेगी। उसके बाद में हमें गाजर डालना है क्योंकि गाजर जो है वो बहुत ही जल्दी सौते हो जाता है, कुक हो जाता है इसमें, और हमें बहुत नहीं पकाना है क्योंकि हम जब भी राइस में डालेंगे तभी भी ये पकने वाला है। लेकिन ये करने से क्या होगा कि आपका ये जो कलर है वो बरकरार रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहती थी। और इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और सॉल्ट डालने के बाद में हम वापस इसे सौते कर लेंगे अच्छे से, और फिर हमें रेडी रखना है हमारा पतीला जिसमें हम पुलाव बनाने वाले हैं। ये भी मैं घी ही यूज़ करूँगी, और पुलाव हमेशा ही घी में बनता है। तेज पत्ता और गरम मसाले जो हमने लिए हुए हैं, खड़े मसाले, वो हम इसमें डाल देंगे, और इसे भी थोड़ा सा बस हल्का सा सौते करने के बाद में हम वापस यहाँ पे ऑनियन डालेंगे। मैंने आपको बताया है कि ये जो पुलाव है ये थोड़ा सा हटके हमने बनाया हुआ है, क्योंकि मैं जब भी हमेशा खाती हूँ तो मुझे वो पुलाव अच्छे नहीं लगते थे, तो मैंने इसी तरह से हमेशा बनाना शुरू किया, तो सबको पसंद आया और कुछ तारीफ भी ली हमें। और चलिए इसमें भी मैंने ग्रीन चिली गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाल दिया है, और ये जैसे ही हो जाता है उसमें हम करीबन 2 कप मैंने राइस लिया हुआ है तो हम 3-3.5 कप इसमें मैं पानी डालूँगी और इसे हम बॉईल होने देंगे। जैसे ही ये बॉईल होगा हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस है वो डाल देंगे। इससे एक टिप्स और है इसमें कि लेमन जूस डालने से आपका जो राइस है वो वाइट रहेगा और एकदम से खिला खिला होगा। और फिर सॉल्ट डाल दीजिए
सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि आपको पानी जब भी आप ये जो है वो चख लीजिए तो ऐसा लगना चाहिए कि बहुत नमक पड़ गया है, लेकिन जब भी आप पुलाव बन के आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सही था। और इसमें भी हम थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला डाल के राइस डाल के फिर इसे पकने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा कच्चा पक्का पक जाता है, इसे आप साइड से, मैं आप हिला रही हूँ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टूट जाएगा नहीं तो फिर इसके ऊपर हम ये हमारे वेजिटेबल्स हैं वो डाल देंगे। हम इसमें मटर नहीं डालेंगे अभी, अगर आपका कच्चा मटर है तो आप उसमें मटर डाल सकते हैं, लेकिन मैं मटर बाद में डालूंगी। ये करीबन आधा कुक हो गया, उसके बाद में मैंने मटर डाल के थोड़ा सा और पानी डाला है, और उसमें हम डॉलप ऑफ घी डालेंगे और ढक देंगे। बस आप देख सकते हैं हमारा वेजिटेबल पुलाव रेडी है, कितना इजी है और इतना मज़ेदार है कि मैं आपको क्या बताऊं। और देखिए मैं किस तरह से ये ले रही हूँ, पूरा अंदर चम्मच नहीं डालिए, बस साइड से इस तरह से लीजिए कि पूरा आपका जो राइस है एक एक दाना जो है ना वो खिल के बाहर निकले, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही चिपका हुआ नहीं है। इसे ढक दीजिए और देख लीजिए, आप ही के लिए ये पुलाव आया हुआ है, गार्निश कर दिया मैंने। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।